राजनीति में कौन दोस्त बन जाए और कौन दुश्मन बन जाए, ये बात कहना बड़ा आसान नहीं होता है। खास तौर पे राजनीतिक भविष्यवाणियां करने से लोगों को परहेज करना चाहिए। ये बिल्कुल, मगर राजनीतिक भविष्यवाणी करना ही अगर आपका पेशा हो तो आपका थोड़ा सा बिहार में आकर जो काम धंधा है वो थोड़ा सा लटपटा हो जाता है। नहीं, लटपटा इसलिए हो जाता है क्योंकि भविष्यवाणियां कुछ और कीजिएगा और रात में नेता पलट के कुछ और कर देंगे। आप काल दर्शन राहु केतु शनि शुक्र बृहस्पति और बुध मिलाते रहेंगे और नेता यहाँ ब्राह्मण भूमिहार और यादव मुस्लिम कैंडिडेट जोड़कर गुना भटाव करके और अपने प्रत्याशी उतारकर उसी हिसाब से अपना दल बदल देंगे। तो भैया बिहार में राजनीतिक भविष्यवाणी करना इतना जो मैंने कहा इससे यही साबित होता है कि बहुत कष्टकारी चीज है, बहुत रिस्की चीज है। मगर इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव के एक ज्योतिष रहे हैं बिहार की राजनीति में, उनकी खासी परिचय रहा है, खासी उपलब्धियां रही हैं उनकी। लालू यादव को हर वक्त गाइड करते रहे हैं। आपको याद ही होगा कि लालू यादव के एक और राजनीतिक गुरु रहे हैं पगला बाबा जिनको कहते हैं, जिनको लगातार जाते थे तो वो मिलते थे विंध्याचल में। उसी तरह के एक और राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम क्या है, शंकर चरण त्रिपाठी। शंकर चरण त्रिपाठी जी लालू यादव के साथ लगातार उनके साया बनकर कई सालों तक लगातार दिखे हैं। खास तौर पे आपको याद होगा जब महागठबंधन के दौरान, महागठबंधन का जो निर्माण 2015 में हुआ था जिस दौरान कांग्रेस राजद और सबसे बड़ी बात की जदयू नीतीश कुमार आ गए थे लालू के साथ। लालू के चिर प्रतिद्वंदी थे, दुश्मन थे, कई सालों से दोनों में कायदा प्रतिद्वंदिता चल रही थी। इसलिए भी चल रही थी क्योंकि लालू यादव को हटाकर बिहार की सत्ता नीतीश कुमार ने हथिया ली थी। अब इसी कारण से कहीं ना कहीं लालू यादव को नीतीश कुमार से परहेज था, खफा थे। मगर इसके बावजूद एक मंच पर आए, इसके लिए भी कहा जाता है कि लालू यादव के जो राजनीतिक गुरु हैं जो उनके लिए भविष्यवाणियां करते हैं, ज्योतिष हैं, उनके परिवार से नजदीक हैं। लोगों के घर में कहा जाता है कि फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, इनके यहाँ फैमिली ज्योतिष थे। जी बिल्कुल। तो शंकर चरण त्रिपाठी जी ने उनको ये बताया था कि आप अपने दुश्मनों से दोस्ती कर लीजिएगा तो ये बड़ा प्रतिकूल समय है, इसमें आपको फायदा हो सकता है। वहीं बात की जाए तो जब महागठबंधन का निर्माण हो रहा था, इसके बाद जब महागठबंधन सरकार बन गई तो उन्होंने दो बातें कही थी। एक तो कहा था कि लालू यादव जी आप अपने दुश्मन से दोस्ती कर लीजिए, दूसरा कि पूरे चुनाव में आप उजला कुर्ता मत पहनिए। जी, और याद कीजिए कि लालू यादव कहीं भी उजला कुर्ता पहनकर नजर नहीं आए थे। यहाँ तक कि आपको याद होगा वो पंखा गिरने वाला दृश्य, जब पंखा गिरा था लालू यादव चाय पी रहे थे, उस दौरान भी देखिएगा तो वो हरा रंग का कुर्ता पहने थे। यहाँ तक कि जब मंच पर, याद कीजिए जिस मंच पर बड़े बड़े दिग्गज आए थे पूरे देश से मोदी विरोधी, और नीतीश कुमार भी उस मंच पर मौजूद थे लगातार, उस मंच पर लोगों ने कहा जा सकता है जो मंत्री बने उन्होंने वहां शपथ लिया, जिस दौरान तेज प्रताप यादव ने कई बार गलतियां कर दी जिनको राज्यपाल टोकना पड़ा था, इस दौरान भी आप देखिए लालू यादव उसी ड्रेस में थे, हरे रंग के ड्रेस। जी बिल्कुल, उन्होंने कहीं व्हाइट कुर्ता नहीं पहना। साफ तौर पर उनके ज्योतिष ने उन्हें समझा दिया था कि आपको नहीं पहनना। दूसरी जो भविष्यवाणी उन्होंने ये की थी कि आपको अपने दुश्मनों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, ये बहुत अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। तो लालू यादव ने नीतीश कुमार से दोस्ती कर ली। अब नीतीश कुमार से बड़ा दुश्मन लालू यादव कौन हो सकता है? जी, और इस दुश्मनी का कारण भी है क्योंकि राजनीति जिस जैसा कि सर ने बताया कब किस समीकरण के साथ बदल जाए और कब कौन अपना रोटी पकाना रोटी सेकना शुरू कर दे ये कोई नहीं जानता, और इस रोटी सेकने में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं माहिर हैं। और यही कारण है कि पिछले 14 सालों में 5 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। जी, खास बात यह है इस वीडियो को आप जिस मकसद से आए हैं मैं बता दूं आपको कि ज्योतिष महोदय जो हैं, जो फैमिली ज्योतिष है लालू यादव के त्रिपाठी जी, इन्होंने क्या किया है कि एक नई पार्टी बना ली। जी, इस पार्टी का नाम क्या है? समग्र उत्थान पार्टी। समग्र उत्थान पार्टी यानी कि पूरे संसार का कल्याण करने की और उनके उत्थान की ये बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक परिस्थितियाँ कैसे आई ये समझना जरूरी है। दरअसल लालू यादव जब सत्ता में आए थे, मैंने महागठबंधन के तहत जब वो दोबारा आए थे, उनकी पार्टी आई थी, तो उस दौरान इनके दोनों बेटों को दो महत्वपूर्ण जिम्मेवारियाँ दी गई थी। जी। इस दौरान शंकर चरण त्रिपाठी जी ने एक भविष्यवाणी की थी और ये बातें सलाह दी थी कि आप अपने बड़े पुत्र को बड़ी जिम्मेवारी दीजिए और छोटे पुत्र को छोटी जिम्मेवारी। इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज करते हुए लालू यादव ने अपने छोटे बेटे को बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया और बड़े बेटे को उनसे छोटा पद दे दिया। हालांकि तेज प्रताप यादव के पास बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी बिहार की, मगर कहा जाता है कि परिवार में कलह वहीं से शुरू हो गई।
इसको लेकर जब त्रिपाठी जी ने एक पब्लिक सभा में ये बातें घोषणा कर दी कि मैंने पहले ही कहा था लाल यादव ने बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से अब ये सब तकलीफें हो रही हैं, इसको लेकर जब पब्लिक डोमेन में वो आ गए तो कहा था लालू यादव थोड़े से खफा हो गए। हालांकि लालू यादव ने तब भी पेशेंस अपना बरकरार रखा और इनको अपनी पार्टी से ना दूर किया ना कुछ भी। हालांकि ये पार्टी के प्रवक्ता बना दिए गए थे, पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इनको दे दी गई थी, लगातार लालू यादव के घर में आना जाना इनका शुरू था और इसी दौरान मीसा भारती के साथ भी इनका कुछ खटपट हो गया था। जी बिल्कुल। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो नहीं पता किसी को, मगर कुछ ऐसी मामला हुआ था जिसकी वजह से मीसा भारती इनसे चिढ़ गई थी। जी। जिसके बाद एक और बड़ी बात इन्होंने कह दी थी नेशनल मीडिया में, याद कीजिए लालू यादव का एक भाषण चल रहा था जिसमें लालू यादव ने कहा था कुछ और, मगर उनकी बातों को मिस इंटरप्रेट करके लोगों ने कह दिया था कि वो राहुल गांधी को जोकर कह रहे हैं। जी। जिस दौरान लालू यादव ने मीडिया के समक्ष आकर बयान दिया था कि लालू यादव को मैंने जोकर नहीं कहा है, उनके बयान को फिर जब दोबारा चलाया गया तो पता चला कि उन्होंने उनको जोकर नहीं कहा है जबकि बल्कि किसी और को कहा था कि वो जोकर ही करते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि त्रिपाठी जी ने एक और भविष्यवाणी कर दी, उन्होंने कह दिया कि इस देश के प्रधानमंत्री कभी भी राहुल गांधी नहीं बन सकते। अब ये कहीं ना कहीं लाइन और बॉर्डर क्रॉस कर देना है। लालू यादव हमेशा से कांग्रेस के हिमायती रहे, कांग्रेस के मित्र रहे हैं और राहुल गांधी के प्रति खासतौर पर बोलने से हमेशा ऐतराज करते हैं। आपको याद होगा जब सदन में राहुल गांधी ने बिल फाड़ दिया था जिसकी वजह से आज लालू यादव की राजनीति खत्म हो गई है, इसके बावजूद आज तक लालू यादव ने कुछ नहीं बोला है उनके प्रति। हालांकि जब सार्वजनिक मंच पर कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे राहुल गांधी के साथ, मगर उसके बाद भी कई मंचों पर लालू यादव पहुंचे जहां राहुल गांधी ने उन्हें खोजा। बाद में राहुल गांधी भी उनसे गले मिले, याद करिए बिहार का जब महागठबंधन बना था जब नेताओं को शपथ दिलाया था उस दौरान राहुल गांधी भी आए थे और उन्होंने मुलाकात की थी और लालू यादव के साथ एक मंच पर खड़े रहे थे, गले भी मिले थे। तो ये सारी चीजें होती है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर सेंटिमेंटल भी थे लालू यादव, या फिर उनकी उस तरह की भावना थी कि वो उनसे दुश्मनी नहीं करना चाहते। मगर शंकर चरण त्रिपाठी जी ने जो बातें कह दी थी वो तो तीर से कमान से निकल चुका था, तो इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब शंकर चरण त्रिपाठी जी ने क्या किया बताइए? अब शंकर चरण त्रिपाठी जी ने ऐलान कर दिया है पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ने के लिए। इतना ही नहीं, 20 सीटों पर वो काम बिगाड़ने जा रहे हैं आरजेडी का। आरजेडी की जो सीटें हैं उसके अलावा महागठबंधन की सीटें हैं, खासतौर पर आरजेडी की सीटें, इनके इन पे वो अपने कैंडिडेट्स उतारने जा रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने घोषणा भी कर दी है। और इतना ही नहीं, बिहार के बाहर भी कई जगहों पर वो चुनाव लड़ने, मध्य प्रदेश और कहा जाए तो छत्तीसगढ़ ऐसे जगहों पर, वहां पर भी लोकसभा चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि लालू यादव के खिलाफ मेरी राजनीति चलती रहेगी और इस देश का प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा जो हमारी पार्टी और हमारी विचारधारा से इत्तेफाक रखेगा। खैर ये राजनीति है और जिस तरीके के राजनीति में एक तरफ बागी तेज प्रताप हो गए हैं, वैसे में अब शंकर चरण त्रिपाठी जो कि राजद का एक अहम हिस्सा हुआ करते थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2015 के विधानसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं अब दो बागी मिलेंगे। यानी कि जब बिहार में मतदान होगा और देश के कुछ और राज्यों में मतदान होगा वहाँ लालू खिलाफत मतदान देखने को मिलेगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, यहाँ तेज प्रताप यादव ऑलरेडी बागी हो चुके हैं अपने ही परिवार से, अपनी पार्टी से, वहीं शंकर चरण त्रिपाठी भी बागी हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं राजद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती दिख रही हैं। वहीं बात की जाए तो तेजस्वी यादव जिस तरह से कांग्रेस के साथ एक तालमेल बनाने का प्रयास कर रहे थे जो बनता नहीं दिख रहा है, उसकी वजह से वहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है। तो राहुल गांधी और कहा जा सकता पूरा महागठबंधन समेत बिहार में आरजेडी जो कि बड़ा भाई अपने आप को कहता है महागठबंधन का, बैकफुट पर दिख रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ जहां भाई अपने ही समाज अपने ही समुदाय के लोगों का वोट काटने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्होंने भी उम्मीदवारी घोषित की है और अपने प्रत्याशी उतारने की बात की है, ऐसे में जब शंकर चरण त्रिपाठी याद रखिएगा तो ये भी कहीं ना कहीं एक समूह का वोट काटने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके का समीकरण है MY पे काम चल रहा है महागठबंधन का, ऐसे में जो मूल वोट कांग्रेस के हैं उस पर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेंगे। आरजेडी का जो भी हो, मगर सबसे बड़ी बात कि मीसा भारती का तो काम बिगाड़ने के लिए तैयारी लोगों ने कर दी है। जहां एक तरफ रामकृपाल जो पिछली बार जीत गए थे वही फिर से मीसा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ने पार्टी की तरफ से, वहीं अब उनके परिवार के ज्योतिष जो कि बहुत भविष्यवाणियां करते हैं लालू यादव के बहुत नजदीकियां रही उनकी, तो दो लालू यादव के इनसाइडर मीसा भारती को चुनाव हराने के पीछे लग गए हैं। जी जरूर, ऐसे में मीसा भारती का चुनाव जीतना बहुत कठिन लग रहा है। खैर मीसा भारती ने टाल ठोका है, भाई वीरेंद्र उनके सपोर्ट में हैं और एक भाई जो तेज प्रताप जिन्होंने पहले कहा था कि मीसा भारती दीदी ही लड़ेंगी पाटलिपुत्रा से, अब वो भी नाराज हैं, तो कहना बिल्कुल जायज होगा कि पाटलिपुत्रा सीट कहीं ना कहीं मीसा भारती को निकालने के लिए बड़ा ही मेहनत करना पड़ेगा।
तो देखिए, जिस खबर के लिए आप आए थे हमने वो खबर बता दी आपको। आज पूरे दिन ये खबर मीडिया की सुर्खियों में तैरेगी, मगर याद रखिएगा न्यूज़ बिहार ने आपको रातों रात ये खबर दे दी है, इसीलिए रातों रात हम चलाते हैं। और अगर ये श्रृंखला अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पता नहीं क्या क्या होता है वो सब कुछ कर दीजिए। जी, जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल से, हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जुड़े रखेंगे भारत के साथ, खास तौर पर बिहार की राजनीति से। देखते रहें भारत लाइव टीवी। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।